सेम डायरेक्शन वेक्टर्स, दो सदिश जब उनकी दिशा समान हो, जैसे कि ये तो है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, अगर इनकी दिशा समान है तो हम उनको समदिश सदिश कहेंगे। विशेष परिस्थितियों में जब इनका परिमाण भी समान है तो ये समान सदिश हो जाएंगे। यू अगर हम इनको लिखें तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। एम कोई भी राशि हो सकती है, एम 1.5 हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, और भी कोई राशि हो सकती है। तो जब दो समान समदिश सदिश हों तो उनकी दिशा समान होगी, परिमाण विशेष परिस्थितियों में समान होगा और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसको यूं लिख सकते हैं, जब ये एम अगर नीचे जाए कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी अपॉन एम। एम का मान यहां पर एक से कम होगा, एक से कम होगा तो बी की वैल्यू बढ़ के ए के बराबर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है ऋण सदिश। नेगेटिव वेक्टर्स, अगर ये कोई सदिश होती है, इसका अगर हम ऋण सदिश बनाएं तो परिमाण तो समान और दिशा विपरीत। अगर ये क्यू आर इस वेक्टर का ऋण वेक्टर, इस वेक्टर का ये ऋण वेक्टर है, तो परिमाण तो दोनों के समान होंगे और दिशा है वो विपरीत। 180 डिग्री से डायरेक्शन अगर चेंज कर दें किसी वेक्टर का तो उसका ऋण वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर हमको मिल जाता है। अगर ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये वेक्टर है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। अगर हम को जैसे ये कोई ओ ए कोई वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर हमको लिखना है, जैसे कि ये वेक्टर है वेक्टर पी, इसका नेगेटिव वेक्टर हमें लिखना है, तो यहां से रिवर्स डायरेक्शन में ओ बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर माइनस पी। परिमाण बराबर, जितना इधर था उतना इधर, और डायरेक्शन नेगेटिव वेक्टर की 180 डिग्री से चेंज हो जाएगी। यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ओ एक्स और ओ वाई, और ये कोई वेक्टर है वेक्टर ए बी, जिसको हमने के नाम दिया है ये ए के बराबर। इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके परिमाण का यूनिट होगा। जैसे कि ये वेक्टर ए है बट सपोज 10 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का जो वेक्टर होगा कोई वेक्टर एसी, वो इकाई वेक्टर होगा। इसी तरह से अगर ओ एक्स डायरेक्शन में इकाई वेक्टर लें तो ये ओपी हो गया, और ओ वाई डायरेक्शन में भी इकाई वेक्टर लें तो ये ओक्यू हो गया। अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमको लिखना है तो यूनिट वेक्टर को ए के ऊपर एक कैप लगा के लिखते हैं, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर को अगर उसके परिमाण से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो यूनिट वेक्टर होता है। इस एक्सिस पर जैसे कि ये 1 है, ये 2, ये 3, तो ओपी जो कि यूनिट लेंथ के बराबर है और एक्स डायरेक्शन में है तो वो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरह से ओ वाई डायरेक्शन में। नेक्स्ट है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, आदिम यानी कि जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ये कोई वेक्टर ओ ए है, ये कोई वेक्टर ओ बी है, कोई वेक्टर ओ सी है, ये कोई वेक्टर ओ डी है, अगर इन सभी वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है ये सेम हो, जैसे कि इस केस में पॉइंट ओ है, तो ये सारे वेक्टर वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ डी, ये सह आदिम सदिश कहलाएंगे।
यानी कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, तो वेक्टर ए बी सी डी जितने भी वेक्टर्स हैं ये सह आदिम सदिश कहलाएंगे, समरेख सदिश, समरेख या समरेखीय सदिश। एक ही रेखा में जो सदिश होते हैं वो समरेखीय सदिश होते हैं। जैसे कि ये कोई ओपी दृष्ट रेखा खंड है या सदिश है, और इसी में कोई दूसरा सदिश है क्यू आर, तो ओपी और क्यू आर ये दोनों समरेखीय सदिश हैं, एक ही रेखा में है। आवश्यक नहीं है कि ये बराबर हो, और विशेष परिस्थितियों में ये बराबर हो सकते हैं, परंतु क्योंकि ये एक ही रेखा में उपस्थित होते हैं तो ये समरेखीय सदिश होते हैं। समरेखीय सदिश विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, जैसे कि ये कोई रेखा है और एक सदिश तो है जैसे कि यही ओपी और दूसरी है एस आर, ये ओ बिंदु है, ये पी बिंदु है, तो इस दिशा में तो ये सदिश है और एस आर सदिश इसके विपरीत दिशा में है, परंतु क्योंकि ये एक ही रेखा पर है इसलिए इनको हम समरेखीय सदिश बोलेंगे। कॉन्करेंट, संगामी, संगामी सदिश, अगर कई सारे सदिश हैं हमारे पास और उनकी जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, अगर इनकी क्रिया रेखा को आगे या पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये कहीं मिलते हैं, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्रिया रेखा को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये किसी बिंदु ऊपर मिलते हैं। इसी प्रकार से वेक्टर बी और वेक्टर सी ये बिंदु किसी पी बिंदु पर मिल गए, इसी प्रकार से वेक्टर ए को की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाया जाए और वेक्टर सी की क्रिया रेखा को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये किसी जेड बिंदु पर मिल रहे हैं। तो विशेष परिस्थितियों में ये तीनों सदिश एक ही बिंदु पर भी मिल सकते हैं, एक बिंदु पर एक से ज्यादा सदिश भी मिल सकते हैं, तो उन सदिशों को संगामी सदिश या कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। यहां पर ए और बी संगामी हैं, बी और सी यहां संगामी हैं और ए और सी यहां संगामी हैं। अगर कई सारे बल हैं, फोर्सेस हैं या सदिश हैं जो एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो अगर उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो पॉइंट ओ है तो ये इस प्रकार से शो कर सकते हैं हम। ये सारे वेक्टर ए बी सी डी ई एफ बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। अगर सदिशों का योग देखते हैं, दो सदिशों का योग किस प्रकार से करें, दो सदिश का योग करने के लिए पहले हम लेते हैं दो सदिश, ये तो है ओपी और ये ले लिया हमने कोई सदिश क्यू और एस, तो दो सदिश का योग करने के लिए एक सदिश के प्रारंभ अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभ बिंदु रखते हैं, या तो इसके अंतिम बिंदु पर इसका प्रारंभ बिंदु रखें या इसके अंतिम बिंदु पर इसका प्रारंभ बिंदु रखें। पहले हम इसके अंतिम बिंदु पर इसका प्रारंभ बिंदु रखें तो ये सदिश इधर खिसक गया और ये इस प्रकार से क्यू एस, तो क्यू और पी तो एक ही जगह कॉन्साइड हो गए और ये पॉइंट आ गया एस। अब विपरीत दिशा में इसके प्रारंभ बिंदु से इसके अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो दृष्ट रेखा खंड है वो इनका रिजल्टेंट आर कहलाता है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो योग होगा वेक्टर आर परिणामी वो होगा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा और विपरीत दिशा में।
तो इन दोनों का परिमाण अगर हमने इन निर्दिष्ट रेखा खंडों से लिया हुआ है और ये इनकी दिशा भी है, तो इनका जो परिणामी होगा ये उसका परिमाण होगा, जिस अनुपात में ये लिए हैं उसी अनुपात में ये प्रणामी का परिमाण होगा, और ये उसकी किसी एक सदिश से दिशा हो गई। अगर इसी तरह से इस सदिश को अगर हम यहां रख दें, इसके प्रारंभ बिंदु को इसके अंतिम बिंदु पर अगर रख दें और इस तरह से बनाएं ये वेक्टर ए, तो अब इसके प्रारंभ बिंदु और इसके अंतिम बिंदु को जोड़ने पर जो सदिश मिलेगा वो इन दोनों का योगफल होगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सदिश त्रिभुज का नियम भी कहलाता है, और इससे एक निष्कर्ष और निकलता है क्योंकि ये इनका परिणामी है और ये उसका परिमाण है और ये उसकी दिशा है। तो इस तरह से अगर कोई त्रिभुज क्रम से किन्हीं तीन सदिशों को अगर रिप्रेजेंट करता है तो ये तीनों सदिश हैं, इनका योगफल है वो शून्य हो गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। या हम देख रहे हैं कि वेक्टर सी वो इनका जो परिणामी होता उसका रिवर्स है, नेगेटिव वेक्टर है, तो उसको जब नेगेटिव माइनस करके और फिर वापस अंदर लाएंगे तो एडिशन है, इसको जीरो हो जाएगा। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये कोई वेक्टर सी है बाय द वे जो इन दोनों का परिणामी है, और वेक्टर डी को हम माइनस सी से लिख रहे हैं क्योंकि डी और सी परिमाणों बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, ये वेक्टर डी है। तो पहले तो ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, परंतु वेक्टर जो सी है वो माइनस डी के बराबर है, वेक्टर ए प्लस बी माइनस प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, और वेक्टर ए प्लस बी प्लस डी जब हम बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा इसी में इसको मैं यहां बना रहा हूं, ये ए, ये बी और ये डी क्रम से त्रिभुज के तीन भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो त्रिभुज भी बंद है, तो ये तीनों जो सदिश हैं वो इनका योगफल है वो शून्य हो जाएगा।
और समांतर भी होती हैं। तो OC को AC वेक्टर AB से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर OC इज इक्वल्स टू वेक्टर AB। तो अब त्रिभुज का नियम लगाकर वेक्टर OA के अंतिम बिंदु पर वेक्टर AB का प्रारंभ बिंदु रखा, तो इस तरह से इन दोनों का जो परिणामी आ गया वो वेक्टर R इस त्रिभुज के विकर्ण के बराबर होगा, जो कि जो दोनों सदिश दे रखे थे उनके बीच में से जाएगा, यानी कि ये वाला विकर्ण नहीं होगा। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q अगर देखें तो ये हो गया वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल्स टू वेक्टर OB इक्वल्स टू वेक्टर R। इसी प्रकार से अगर OA को CB के बराबर रख के और फिर जोड़ा जाए तो फिर भी ये परिणामी यही प्राप्त होगा, यानी कि अगर वेक्टर Q प्लस वेक्टर P करें तो ये हो गया वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB इक्वल्स टू वेक्टर OC, और वेक्टर CB है ये वेक्टर OA के बराबर है, वेक्टर CB इज इक्वल्स टू वेक्टर OA, और पहले हमने लिया था वेक्टर OC इक्वल्स टू वेक्टर AB समांतर चतुर्भुज होने के कारण। तो CB के स्थान पर हम लिख सकते हैं OA, तो ये हो गया OA के स्थान पर हम ले सकते हैं CB, हमने उल्टा लिख दिया यहां पर।